हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीटी 2016 में पूछे गए अपर प्राइमरी लेवल के हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी भी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है संप्रदान कारक, सेकेंड अपादान कारक, थर्ड करण कारक एंड फोर्थ संबंध कारक। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 2, अपादान कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है आ, सेकंड अत, थर्ड अति एंड फोर्थ अत्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा ऑप्शन 3, अत्याचार में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालदी विशाल, विकराल ज्वाल, जाल मानव, लंक लिलीबै को काल रसना पसारी है। फर्स्ट ऑप्शन है उपमा और रूपक, सेकंड ऑप्शन है यमक और श्लेष, थर्ड उत्प्रेक्षा और अनुप्रास एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रास और यमक। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 34, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है विभाव, सेकेंड अनुभाव, थर्ड अस्थायी भाव एंड फोर्थ संचारी भाव। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है? फर्स्ट ऑप्शन है करुण, सेकंड भयानक, थर्ड श्रृंगार एंड फोर्थ शांत। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना में शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 36, शुद्ध वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, सेकंड ऑप्शन है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, थर्ड है राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा एंड फोर्थ है राम ने एक थैला और दो पुस्तक खरीदे। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे सही कौन सा है वो वाला बताना था आपको। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 38, चौमासा में सामास है। फर्स्ट ऑप्शन है द्विगु, सेकंड द्वंद, थर्ड कर्मधारय एंड फोर्थ तत्पुरुष। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, द्विगु सामास। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, सेकंड सुंदर लेख, थर्ड विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान एंड फोर्थ रसायनों का ज्ञान होना। 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, भाषा शिक्षक में रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्र दिखाकर, सेकंड वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, थर्ड मॉडल दिखाकर एंड फोर्थ उपर्युक्त सभी। 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर और मॉडल दिखाकर भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिसे छात्र सरलता से समझ सके, सेकंड जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, थर्ड जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो एंड फोर्थ जिसमें नीति हास्य वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, सेकंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड डॉक्टर श्याम सुंदर दास एंड फोर्थ हरदेव बिहारी। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा सिखाने का सही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना लिखना, दूसरा ऑप्शन है श्रवण करना बोलना पढ़ना लिखना, तीसरा है बोलना पढ़ना श्रवण करना लिखना एंड चौथा ऑप्शन है श्रवण करना पढ़ना बोलना लिखना। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, भाषा सिखाने का सही क्रम है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 44, लेखन से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बैठने का उचित ढंग, सेकंड शुद्ध उच्चारण, थर्ड
लेखनी पकड़ने का ढंग एंड फोर्थ आंखों से कागज की दूरी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन टू। शुद्ध उच्चारण जो है वो लेखन से संबंधित नहीं है, जबकि बैठने का ढंग, लेखनी पकड़ने का ढंग और आंखों से कागज की एक निश्चित दूरी जो है वो लेखन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45। या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहू पुर को ताजी डारो किसकी पंक्ति है? फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकंड नंददास, थर्ड रस खान एंड फोर्थ मीराबाई। करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन थ्री, रस खान। क्वेश्चन नंबर 46। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग में, फर्स्ट ऑप्शन है वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, सेकंड ऑप्शन है सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, थर्ड ऑप्शन है प्रेमाश्रम, कृषक जीवन की समस्याओं पर एंड फोर्थ कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्म वाद पर। करेक्ट आंसर होगा 46 का ऑप्शन वन, वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर। क्वेश्चन नंबर 47। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड सरदार पूर्ण सिंह, थर्ड महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड फोर्थ बालकृष्ण भट्ट। 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 48। विरासत शब्द का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति से प्राप्त, सेकंड पुरखों से प्राप्त, थर्ड मित्रों से प्राप्त एंड फोर्थ मूल्य देकर खरीदा हुआ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन टू, विरासत शब्द का अर्थ पुरखों से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 49। निर्बल का विलोम शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है सुदृढ़, सेकंड सबल, थर्ड बाहुबली एंड फोर्थ समुन्नत। 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, निर्बल का विलोम शब्द सबल है। क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, सेकंड तितली, थर्ड त्यागपत्र एंड फोर्थ परीक्षा गुरु। 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बनारस, सेकंड दिल्ली, थर्ड लखनऊ एंड फोर्थ जबलपुर। 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 52। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कटहल, सेकंड करवा, थर्ड काष्ठगृह एंड फोर्थ कंठफल। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन थ्री। कटहरा जो है वो तद्भव है किसका? काष्ठगृह का। कटहरा का तत्सम रूप काष्ठगृह होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तद्भव शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरा, सेकंड प्रकाश, थर्ड रात्रि एंड फोर्थ चंद्र। करेक्ट आंसर होगा 53 का ऑप्शन वन, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 54। आंख एक नहीं कजरोटा दस दस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यर्थ आडंबर, सेकंड आंख में काजल लगाना, थर्ड आंख की देखभाल करना एंड फोर्थ लाइलाज बीमारी। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन वन, आंख एक नहीं कजरोटा दस दस का अर्थ है व्यर्थ का आडंबर करना। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से पुलिंग शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है रात, सेकंड बात, थर्ड गीत एंड फोर्थ मात। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, गीत। क्वेश्चन नंबर 56। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, फर्स्ट ऑप्शन है राम, सेकंड सुरेश, थर्ड निर्वाह एंड फोर्थ मित्रता। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 57। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सेकंड सार्वनामिक विशेषण, थर्ड संख्यावाचक विशेषण एंड फोर्थ परिणाम बोधक विशेषण। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन टू, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 58। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है सरल वाक्य का, सेकंड इच्छावाचक वाक्य का, थर्ड मिश्र वाक्य का एंड फोर्थ आज्ञावाचक वाक्य का। तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री, मिश्र वाक्य का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? फर्स्ट ऑप्शन है उपकार करने वाला, सेकंड उपकार कराने वाला, थर्ड किए हुए उपकार को न मानने वाला एंड फोर्थ किए हुए उपकार को मानने वाला। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर, किए हुए उपकार को जो मानता है उसको
कृतज्ञ कहते हैं और जो नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे आपको श्रृंगार का स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करने थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूपीटेट 2016 अपर प्राइमरी लेवल के हिंदी के क्वेश्चंस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।